बाबा हमारे विचारों को बहुत सुंदर बनाते हैं और हमें सहज विधि बताते हैं अमृत वेले को कैसे सफल करो और सवेरे सवेरे रोज अपने मन को कैसे चार्ज करो। समझते हैं चार्ज करना माता है, चेतन कर देना, जागृत कर देना उसे। मन में जो ठंडाई है, मन ही तो ठंडा है, सुस्त हो गया है, चार बजे उठ रहे हैं, घड़ी लेके चार बजे, ठंड बहुत है, कल कर लेंगे जो क्या सो गए, ठंडा मन है, बाहर ठंडी नहीं है, सब कर देते हैं ये काम। सवेरे उठते ही सुंदर संकल्प करेंगे, उठेंगे भी मुस्कुराते हुए, सोएंगे भी मुस्कुराते हुए। क्या विचार है माताओं का, क्या विचार है? ठीक विचार है या सोएंगे परेशान होकर, उठेंगे बाबा मुस्कुराते करते हुए? ये महारानी ने बहुत तंग करके इसको अपने पास बुला लिया। कहेगा नहीं अभी इसको यही रखना, तुम्हारे साथ तुम्हारा ऐसा किताब पूरा करना है। उठो, उठते ही आदत डाल लो, बाबा बोलो, बाबा गुड नमस्ते, मन मुस्कुराने लगेगा, आंख खुले, खुलते ही प्रभु दर्शन, मंदिरों में नहीं, जहां वो है वहीं ही मन मुस्कुराने लगेगा। सो तो बाबा को बाबा, अभी एक एक चीज और जोड़ देना है, उठे बाबा और फिर देखेंगे कि बाबा का आशीर्वाद कहा मेरे से भरा है। गुड मॉर्निंग का उत्तर देगा ना, गुड मॉर्निंग कहते तो देता ही है, पर सिर पे आशीर्वाद कहा, साथ में दुआएं भी दे देगा, सुखी भव। सोएं बाबा गुड जानते बताएंगे, बाबा गुड नाइट। गुड नाइट का मतलब ये है जिसने इस अभ्यास का निर्माण किया होगा, जिसने सोचा होगा ऐसा संकल्प करके सोएं कि सारी नाइट गुड हो जाए, अच्छी नींद अच्छी आएगी। विदेशों में तो क्योंकि नींद की प्रॉब्लम ज्यादा है तो वो जब एक दूसरे से रात को मिलते हैं ना, गुड नाइट तो कहते ही है, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं इंग्लिश में हैव ए नाइस स्लीप, अच्छी नींद करना आज, क्योंकि नींद की समस्या बन जाता है, गोली खा के ज्यादा लोग सोते हैं। भारत में तो उठने की समस्या ज्यादा है, नींद से सो तो आराम से उठ जाते हैं। तो रात को जब बाबा को गुड नाइट करें तो फिर क्या सीन देखेंगे? अरे माता उठ जाओ, माता सोच सोच उठो, चकिल दो मिनट उठ रहा उसको अपना है, फिर पावरफुल योग करेंगे जरा माता के जाने के बाद। माता बहुत धीमी गति से उठ रही होगी थी, उठो 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 फटाफट उठो, उठ जाओ थोड़ा खुला खुला हो जाएंगे, गुड नाइट की बाबा को। फिर देखना सीन ऊपर सूक्ष्म लोक में, हाँ मेरी ओर देखो भी सो जाए, सूक्ष्म लोक में देखना गुड नाइट बाबा। तब बाबा ने दृष्टि दी और मुस्कुराट कर मुझे गले से लगा, ये होगी हंसते हुए सो जाओ। उठते उठेंगे भी मुस्कुराते हुए, सोएंगे भी मुस्कुराते हुए, आपको लगेगा जीवन मुस्कुराने लगा है, भाग्य मुस्कुराने लगा है। ये दो काम सबको करना है, इसलिए टीवी देखते हुए नहीं सोना है, उठते के बाद नहीं पढ़ना है। उठते जो अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, वो जीवन की सबसे बड़ी गलती करते हैं। उठते क्यों जब हमारे
तुम्हारा अंतर मन जगा होता है। क्या जगा होता है? इंग्लिश में इसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, चित्त कहते हैं संस्कृत में, चित्त। इसकी बहुत चर्चा है शास्त्रों में, इसमें बहुत शक्ति है। जब हम उठे, हमारा अंतर मन पहले 10 मिनट जगा हुआ है, हमने अखबार पढ़ा। अखबार में पहले पेज पे अच्छे न्यूज होंगे या खराब? सबसे खराब पहले पेज पर होते हैं। कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई, इतने मरे, मिलिट्री पे अटैक कर दिया, 8 जवान मार दिए, ये तो समाचार है पहले पेज पे। अच्छे तो थोड़े अंदर होंगे, तो अंदर में अशांति चली गई, जिसका उसको पता नहीं चलता। किसी समाचार को पढ़ के अंदर टेंशन चली गई, किसी को पढ़ के चिंता चली गई, किसी को पढ़ के भय चला गया। ये रोज मनुष्य दुखी कर रहा है, फिर वो कहता है जीवन सुखी नहीं है। हम सभी बाबा के बच्चे रोज पहले 10 मिनट सुंदर विचारों में बिताएंगे। सुंदर विचार, योग भी छोड़, सुंदर विचार। कैसे? उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग, फिर सच्चे मन से कहना, हाथ ऊपर कर सको तो ऊपर करना, अभी नहीं सड़े सड़े। अगर आपके घर में ऐसा मौका हो, अगर ना हो तो मत करना, कोई अकेले रहते हो तो डांस करना। कैसे? बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बार बार शुक्रिया। खुल जाएगा आपका दिमाग, यहाँ नसें जो सिकुड़ गई है ना टेंशन से, चिंताओं से, सब खुल जाएगी। बाबा आपने मुझे दिया सब कुछ, माताओं को तो नहीं दिया। सच्चे मन से आवाज करना, मांगने की जरूरत नहीं। बाबा मैं गरीब हूं, मुझे धन दो। बाबा कहेगा मेरे पास 9 रुपए आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बार बार शुक्रिया। जान लेना इन को भी जादू है, ध्यान से सुन लेंगे। जो दूसरों को अच्छा ज्ञान देते हैं वो ध्यान से सुन लेंगे। जब आपने ये संकल्प किया, दूसरा संकल्प ले रहे हैं, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगी बात। मेरे जैसा भाग्यवान कोई, खुले मन से 5 बार कह देना, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। तो क्या होगा? ये तरंगे फैल जाएंगी पूरे ब्रह्मांड में। आकाश सुनेगा, चांद तारे सुनेंगे, प्रकृति सुनेगी। क्या आवाज सुनेगी? ये तरंगे फैलती और रिएक्शन होगा प्रकृति के और हमारी तरंगों के बीच में, और भाग्य को लेकर वापिस हमारे पास आ जाएंगे। समझ लिया सिद्धांत? न समझाओ तो दूसरी बात। तीसरा संकल्प करना, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं। 5 बार ये तरंगे फैली चारों ओर, प्रकृति से रिएक्शन हुआ। रिएक्शन समझते हैं? रिएक्शन माना प्रतिक्रिया होती है। जैसे आपने पानी में नमक मिला दिया, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो पानी कैसा हो गया? नमकीन। आपने नींबू निचोड़ दिया तो रिएक्शन हुआ, पानी हो गया खट्टा। तो रिएक्शन कहते हैं। तो हमारी ये तरंगे प्रकृति में गई, रिएक्शन हुआ, मिलन हुआ दोनों का, भूल गई दोनों, और सुखों की आपके ऊपर बरसात होने लगेगी। यही ठीक गलत संकल्पों में भी होगा। अब सारा दिन सोचते हैं, सवेरे से हम सोचते हैं, बहुत दुखी हूँ बाबा, मेरे दुख दूर करो, मैं बहुत दुखी हूँ।
कर्म के फैल गई पूरे ब्रह्मांड में और आपके ऊपर दुखों की बरसात होने लगी। इसलिए अगर कोई दुखी है, परेशान है, चिंताओं में है, उसका जिम्मेदार वो